लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, उन्हीं में हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। भारत में ये हजारों साल से कायम है, जहाँ एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अनगिनत मंदिर हैं। लेकिन दक्षिण भारत के पहाड़ों की चोटी पर शान से खड़ा एक मंदिर उन हिंदू धार्मिक स्थलों में से एक है, जहाँ दुनिया भर से सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर तिरुपति में स्थित है, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का हिस्सा है। इसे तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि बालाजी को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना गया है। वेंकटेश्वर और श्रीनिवास भी भगवान विष्णु के ही नाम है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त भगवान बालाजी के दर्शन की अभिलाषा लेकर आते हैं और अपने इष्ट देव के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। जब भक्त भगवान के समीप खड़े होकर उनके दर्शन करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। उनको देखते ही भक्त अपनी सारी परेशानियां और दुख दर्द भूल जाते हैं और नम आंखों से उनको अपने हृदय का हाल सुनाते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही शानदार है जितना कि ये मंदिर। कई शताब्दियों पूर्व निर्मित इस प्राचीन मंदिर की सुंदरता और भव्यता को देखकर पर्यटक आज भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये मंदिर दक्षिण भारत की शिल्प कला और वास्तुकला का अनूठा संगम है। ये मंदिर भारत के सबसे संपन्न मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के द्वार अमीर और गरीब सभी के लिए खुले हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने से व्यक्ति को धन और वैभव की प्राप्ति होती है। बालाजी के दर्शन के अनुभव को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। बालाजी की सुंदरता का बयां करना और भी मुश्किल है। बालाजी की मूर्ति में एक हाथ जहां आशीर्वाद की मुद्रा में है, वहीं दूसरा हाथ ऐसी मुद्रा में है कि लगता है भगवान अपने भक्तों से कुछ मांग रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना पूरी होने पर भक्त का कर्तव्य है कि वो बालाजी को विशेष चढ़ावा चढ़ाए या बालाजी के नाम पर कुछ खास काम करे। तिरुपति बालाजी मंदिर को एक चमत्कारी मंदिर भी माना जाता है। इस मंदिर के विषय में ऐसी कई बातें लोग बताते हैं जो अविश्वसनीय हैं, लेकिन भक्तों को इन बातों पर पूरा विश्वास है। आइए बताते हैं कि कौन सी है वो मान्यताएं जो तिरुपति बालाजी की विशेषताओं को बताती हैं। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। वास्तव में बालाजी महाराज मंदिर में दाएं कोने में खड़े हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े हैं। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बालाजी महाराज को रोजाना धोती और साड़ी से सजाया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर के सिर के बालों को असली बताया जाता है। ये बाल ना तो कभी उलझते हैं और ना ही रूखे होते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। इस मंदिर में जो लोग दर्शन करने आते हैं वो अपने सिर के बालों को चढ़ाते हैं। ये बाल उनकी आर्थिक सहायता करते हैं ताकि वे धन कुबेर का ऋण उतार सकें। बालाजी की मूर्ति पर कान लगाने वाले इस बात से आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मूर्ति से विशाल समुद्र के प्रवाह जैसी ध्वनि सुनाई देती है। लंबे समय से मंदिर में एक दिया बिना तेल या घी के लगातार जल रहा है,
भगवान की मूर्ति की सफाई के लिए एक खास प्रकार के कपूर का इस्तेमाल किया जाता है जो पत्थर की दीवार पर रगड़ने पर तुरंत टूट जाता है, लेकिन मूर्ति पर रगड़ने पर ऐसा कुछ नहीं होता। इन्हीं वजहों से तिरुपति मंदिर की प्रसिद्धि है। तिरुपति बालाजी मंदिर एक दर्शनीय स्थल है जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान बालाजी के दर्शन के लिए जाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। GSN News के लिए तरुण फोर की रिपोर्ट।